नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के मानगो डिमना बस्ती संकोसाई रोड नंबर 1 श्याम नगर बस्ती वासियों ने भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया। लोक आस्था का महाजन पर्व छठ के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र के छठ घाटों का निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिए, किंतु श्याम नगर छठ घाट की ओर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते आज बस्ती वासियों ने भाजपा नेता विकास सिंह से अपनी समस्याओं को साझा किया। तो वहीं भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि श्याम नगर छठ घाट बहुत ही पुराने घाटों में से एक है, किंतु इसकी मरम्मतीकरण व देखरेख की किसी की कोई चिंता नहीं है। इस घाट पर ना तो कोई साफ सफाई हुई है और ना ही कोई देखरेख। जहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सीढ़ियाँ टूटी हुई है व आवागमन का मार्ग क्षतिग्रस्त है, जो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। नाला से कचरा हो जा रहा, कचरा का कारण आदमी नीचे नहीं जा रहा। बहुत ऐसा है कि पी के बोतल फेंक देता है, पैर कट जाता है, आदमी नीचे जा के गंदगी है, पूरा गंदगी है। साफ सफाई नहीं हुआ है, साफ सफाई नहीं हुआ है। कौन सा घाट है? श्याम नगर का, श्याम नगर का। पंचायत नदी है ऐसा अंधेरक देता है, नाला के चलते खराब, नाला के चलते खराब है, बूंद में पानी रहता है तो उधर जाके देता है। अब बेटा यह बात है बाबू, तो हानि के अरग दे में गिर जाता है फाँकी में। हाँ, अब उन्हें देखो पत्थर दे ले तो हम लग पता दे ला। हाँ, जाके देख ली पत्थर है बेटा, यह हम निकले। हाँ, यह माफी कहे हाँ बना दीजिए सब कोई। हम नहीं रही ला, चार को पर बैठा हम नहीं रही ला। साफ सफाई भी नहीं हुआ ना, कहाँ सफाई? अभी तीन टाइम तो आ गया, कल भी परसों बड़ौना हो गया, कहाँ सफाई है? देखिए ना यहाँ पे कहाँ आते हो कह रही। दिक्कत है, हाँ बहुत दिक्कत है। गिर भी गया। हाँ, वो ने गिर गया लिया रख दे, कहाँ करूँ, गिर गिर गए तो पैर नहीं दवा कह ली। संकोसाई रोड नंबर 1 के श्याम नगर के छठ घाट में आए हैं। मुझे महिलाओं ने बताया कि विगत 2 वर्षों से मंत्री जी और उनके गुर्गे, मंत्री जी माने जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो आते थे, सबसे पहला काम करते थे कि ये जो खाली है ये अपना होर्डिंग लगाते थे, हाथ जोड़ के कि छठ व्रतधारियों का हार्दिक स्वागत है। महिलाओं ने कहा कि आपका भी स्वागत है मंत्री जी, हमारा जो छठ घाट है गरीब गुरबा का, किसी पास गाड़ी नहीं है बाहर जाने के लिए, छठ घाट निर्माण कर दिए। हाँ बन जाए बहु चाची, जैसा डपली वैसा राग, जैसे लोग वैसे बोली। भोजपुरी वाले को टूटा फूटा भोजपुरी में बोलते थे, हिंदी वाले को बोलते थे बन जाएगा। आज 4 साल बीत गए, पश्चिम विधानसभा बेली बुदन वाला घाट से गांधी घाट और उसके बाद हड्डी गोदाम चाणकपुरी के आगे से लेकर तुरिया बेड़ा तक पश्चिम विधानसभा का नदी घाट है। हम डंके के चोट में कहते हैं कि 4 साल बीत गए, जो हमारे विधायक है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, बताए कि 4 साल में उन्होंने कितने घाट बनाया है, कितने घाट की मरम्मत की है, कितने घाट में उन्होंने बत्ती लगाने का काम किया है। हवा बनाए कि दुभारी में हम घाट बना देंगे, कहाँ है वो घाट? घाट तो बना नहीं। स्थिति यह हो गई है कि स्थानीय युवक और महिलाओं ने बताया कि छठ का समय आ गया है, एक व्यक्ति यहाँ सफाई नहीं किया, जो घाट बना वो टूट रहा है। आज इन लोगों ने प्रतिशोध में मेरे को बुलाया, गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, कमाने खाने वाले आदमी है, बच्चे जेल भेज दिए जाएंगे, पति का काम छीन लिया जाएगा। हमने कहा कि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। अगर कोई कहेगा किसने पुतला जलाया, कोई कहेगा किसने विरोध किया, तो मैंने किया, डंके के चोट में कहता, इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन इनकी आत्मा रो रही है कि हमारा जो लोक आस्था का पर्व है छठ महापर्व, उसमें कैसा हमने विधायक चुना है कि ना घाट बना है और ना ही घाट का मरम्मत हुआ, ना ही साफ सफाई हुआ है। परसों कल 15 तारीख है, माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कोटी में, मैं वहां जाऊंगा। परसों सामूहिक रूप से सभी बस्तीवासी मिलकर श्रमदान करेंगे, इस घाट की साफ सफाई करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग पर्व मनाएंगे और छठ के बाद हम लोग लग जाएंगे, भिड़ जाएंगे कि यहाँ छठ घाट का निर्माण हो। पानी आती है, लोग डूबते हैं, मैं भी आता हूँ, फोटो लोग खिंचवाते हैं। मंत्री छोटा से 100 फीट का वहाँ मोटा मोटी जादव जी बचा हुआ जगह, मंत्री ने 4 साल में उसका निर्माण नहीं कराया। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि चुनाव के समय पाइएगा ये फ्लैक्स खाली है, अभी आप अपना मेरा किसी गरीब के यहाँ फोटो लगा देंगे, उनके गुंडे आएंगे फोटो फाड़ देंगे, या मंत्री जी का फोटो रहेगा, नगर निगम के अधिकारी आएंगे फाड़ देंगे कि मंत्री जी का फोटो रहेगा। फोटो काम के एवज में लगेगा, नाम के एवज में नहीं लगेगा।